हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास सिक्स साइंस के कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। इससे पहले हमने और भी डेफिशिएंसी डिजीज डिस्कस कर लिया था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिशिएंसी डिजीज मिनरल्स की। ठीक है, मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिशिएंसी डिजीज की ये आखिरी टॉपिक है और इस चैप्टर की भी ये आखिरी टॉपिक है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस मिनरल्स इन द डाइट गिव राइज टू ए नंबर ऑफ डिजीज। सम ऑफ द मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज आर रिकेट्स, क्रैटनिज्म, गोइटर एंड एनीमिया। तो बच्चों यहां पर देखिए, मिनरल जो है सिर्फ एक चीज का नाम नहीं है, मिनरल्स मतलब बहुत सारे चीज उसमें होते हैं। तो यहां पर हमने लिखा है मिनरल्स जो है इसके वजह से बहुत सारे माने प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जो मिनरल्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली, वो कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ये तीन इंपॉर्टेंट मिनरल होते हैं। ऐसे तो मिनरल और भी हैं लेकिन हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से, हम स्पेशली कैल्शियम मिनरल्स, आयोडीन मिनरल्स और आयरन मिनरल्स, ये तीनों की डेफिशिएंसी के बारे में हम देखेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम होती है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो मिनरल जो जितने भी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है उनमें से हम देखेंगे तो जैसे रिकेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रैटनिज्म, गोइटर और एनीमिया, ये सब जितने भी डिजीज है ये सब मिनरल डेफिशिएंसी के वजह से होते हैं। ये सब जितने भी है, रिकेट्स है, क्रैटनिज्म है, गोइटर है, एनीमिया है, ये सब मिनरल्स के डेफिशिएंसी के वजह से होते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम कैल्शियम मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आयोडीन, फिर आयरन, एक एक करके हम डिटेल्स में देखेंगे। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम भी एक मिनरल है और इसकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होता है ये हम थोड़ा देखेंगे। द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रेन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड द रिकेट्स। सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा हम आपको प्री हिस्ट्री नॉलेज देना चाहेंगे। जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उनके जो बोन होता है, बच्चा का जो बोन होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है। ठीक है, तो ये जब बच्चे को अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होता है, बच्चे में कुछ प्रॉब्लम होने लगते हैं। क्या है वो हम डिस्कस करेंगे लेकिन आपको बता देते हैं पहले। तो क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बोन बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही वीक होता है, ठीक है, कमजोर होता है, उतना डेवलप नहीं होता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चों में डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की तो क्या होता है, एक बीमारी निकल के आता है जिसका नाम है रिकेट्स। ठीक है, जिसका नाम है रिकेट्स। और द मेन सिम्टम्स आर बेंट लेग, पिजन टाइप चेस्ट एंड द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आल्सो लीड्स टू पुअर ग्रोथ ऑफ टीथ इन द चिल्ड्रेन। ओके, रिकेट इज अ डिजीज दैट इज इन विच द चिल्ड्रेन कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एज वेल एज डेफिशिएंसी। अच्छा, मैं देख पहले आपको पहले एक चीज बता देता हूँ कि जैसे तरह से मैं बोल रहा था कि बच्चों में जब पैदा होते तो बहुत कमजोर हो जाते हैं, अगर उसमें कोई आपकी डेफिशिएंसी आ गई कैल्शियम की तो क्या होता है, वो बच्चा जो है खुद अपने बॉडी का वेट को संभाल नहीं पाता और उसका बॉडी के वेट के वजह से ही उसमें क्या हो जाते हैं, थोड़ा जो लेग होते हैं वो बेंड हो जाते हैं। लेग क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रेन। देखिए यहाँ पर डाइट ऑफ
चिल्ड्रन, पहले आपको चिल्ड्रन की बात यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि आप बच्चे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आपके बारे में ज़्यादा फोकस किया गया। ये डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम बड़ों में भी होती है, लेकिन पहले फोकस किया जा रहा आपके ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर। तो चिल्ड्रन में अगर डिफिशियंसी होती है कैल्शियम की, तो बीमारी जो है रिकेट्स बीमारी आती है। और मेन सिम्टम्स उसका जो लक्षण होगा रिकेट्स बीमारी का, ये पहले भी आपको मैं बताया था, तो इसका जो मेन सिम्टम्स होगा क्या होगा, बेंट लेग। देखिए बेंट लेग, लेग अपने बॉडी को ही बच्चा वो संभाल नहीं पाएगा। मैं आपको जो अभी बता रहा था कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो बहुत वीक होते हैं, वीक होने की वजह से क्या होता है, उनका बॉडी का जो वेट हो उतना वो संभाल नहीं पाता है। और क्योंकि कैल्शियम जो है बोन को स्ट्रांग करने में, टीथ को स्ट्रांग करने में हेल्प करता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण बोन स्ट्रांग नहीं हो पाता है छोटे बच्चों में, और उनका बॉडी का वेट के वजह से वो बेंड होने लगता है। ठीक है, वो बेंड होना, इस तरह से बो शेप्ड, बेंड शेप, या फिर कहीं कहीं बो शेप्ड भी लिखा, माने धनुष के जैसा शेप हो जाता है उनका पांव। ठीक है, और पीजन टाइप चेस्ट, पीजन टाइप चेस्ट मतलब उसका जो चेस्ट होता है वो भी थोड़ा ऐसे बल्जिंग बाहर टाइप का हो जाता है, और ऐसे क्या नुकीला टाइप का, जो पीजन के जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनके जो माउथ है उस टाइप का चेस्ट, चेस्ट जो है आगे की तरफ ऐसे पॉइंटेड होकर निकल आता है, उसको हम बोलते हैं पीजन क्या चेस्ट। ये बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है, बहुत मतलब क्या प्रॉब्लम होता है बाद में बच्चों में। और द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आल्सो लीड टू पुअर ग्रोथ ऑफ टीथ इन द चिल्ड्रेन। तो मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि अगर कैल्शियम की कमी होती है बच्चों में, तो एक तो बीमारी गोइटर होगा ही होगा, ठीक है, ये जो रिकेट्स बीमारी होगा ही होगा, और उसके बेंट लेग होंगे ही होंगे, और पीजन टाइप का चेस्ट भी हो जाएंगे, और इसके अलावा टीथ में भी प्रॉब्लम होते हैं, माने अच्छे से टीथ ग्रो नहीं कर पाएंगे, पुअर ग्रोथ होते हैं, पुअर ग्रोथ इन टीथ। ओके, एंड रिकेट इज आल्सो ए डिजीज इन चिल्ड्रेन व्हिच इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। पहले आपको मैं जब क्लास कर रहा था तो इसकी जो क्या मिनरल्स के बारे में, ये सब बारे में मैं बता रहा था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, न्यूट्रिएंट्स के टाइम में जब पढ़ाया था, क्लास लिया था, तब बताया था कि विटामिन ए डेफिशिएंसी के वजह से हमारा नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बी डेफिशिएंसी के वजह से बेरी बेरी, सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी, डी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे रिकेट्स, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर देखिए विटामिन डी की कमी के कारण भी होते हैं, और क्या होते हैं देखिए, एज वेल एज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का कमी हो या फिर विटामिन बी डी का कमी हो, ये दोनों ही का कारण है रिकेट्स बीमारी को क्या होने में। रिकेट्स जो डिजीज है ये हमारे कैल्शियम डेफिशिएंसी के वजह से भी होते हैं और विटामिन डी के कमी से भी होते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द एडल्ट, अब तो आज बच्चों की बात हो गई, अब एडल्ट में भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन एडल्ट, अगर एडल्ट में अगर कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो जाती है, तो क्या होते हैं, वो कॉजेस द ब्रिटल बोन्स एंड टीथ। ब्रिटल बोन्स मतलब बहुत ही कमजोर बोन, ठीक है, खोखला बोन, या और टीथ जो है मतलब जल्दी दांत झड़ने लग जाते हैं। ब्रिटल बोन्स माने वो टूटने योग्य, माने बहुत जल्दी टूट जाते हैं, थोड़े से अगर क्रैक हो गए या कहीं गिर गए तो वो टूट जाते हैं, ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं, उनमें फ्रैक्चर आ जाती है, इसको हम बोलते हैं ब्रिटल बोन्स, माने टूटने वाले, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो कैल्शियम का कमी जब बच्चों में होने लगती है तो उनकी डेफिशिएंसी के वजह से रिकेट्स बीमारी होती है, और जो बड़ों में ये ब्रिटल बोन्स और टीथ का प्रॉब्लम होता है, जल्दी जल्दी दांत झड़ने लगते हैं और हमारे बोन भी बहुत कमजोर हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए और एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो हो गई कैल्शियम की बातें, कैल्शियम मिनरल्स है, कैल्शियम भी एक मिनरल्स है, इसकी कमी से क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ लें। और दूसरी एक डेफिशिएंसी है मिनरल डेफिशिएंसी, जिसका नाम है आयोडीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल हो जाता है। तो ये क्या है, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन मिनरल कॉजेस टू डिजीज, इसके वजह से दो बीमारियां होती है, एक तो होती है क्रेटिनिज्म और एक होती है गोइटर, ठीक है, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में जब पढ़ रहे थे, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स के बारे में जब पढ़ रहे थे। तो आयोडीन की कमी से दो प्रकार की बीमारी होती है, एक होती है क्रेटिनिज्म और एक होती है गोइटर।
अच्छा दोनों ही लगभग सेम टाइप के हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या इसमें डिफरेंस है। द मेन सिम्टम्स ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रेन आर रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डिसेबिलिटी। अगर बच्चों में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनमें क्या होते हैं, चिल्ड्रन के अंदर जो ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ होता है, वो रुक जाता है, वो कम हो जाता है। और मेंटल डिसेबिलिटी मतलब कि मंद बुद्धि, माइंड अच्छे से डेवलप नहीं करता। छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो छोटे बच्चों में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम होता है उसमें, एक तो क्रेटिनिज्म बीमारी होती है और एक गोइटर होती है, ठीक है। और गोइटर की जो सिम्टम्स है, मेन सिम्टम्स है, ये आयोडीन की कमी किस तरह से हुआ है, आयोडीन की कमी हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा कि बच्चों में क्या होता है, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ जो है बहुत कम होने लगता है या रुक जाता है। और मेंटल डिसेबिलिटी, बच्चा मंद बुद्धि हो जाता है, जितने उसकी एज के हिसाब से उनका माइंड डेवलप नहीं होता है, उससे कम उसका जो सेंस होता है वो सेंस से पता चलता है कि वो मेंटली डिसेबल है, उसकी जो सेंस ऑर्गन है अच्छे से काम नहीं करते हैं। The deficiency of iodine in the diet of an adult person causes a disease called the goiter. अब आते हैं बड़ों में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों की बात पहले, उसके बाद बड़ों की बात, क्योंकि आप बच्चे हो, आप सीख रहे हो, आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले आप में ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बाद बड़ों की बात करते हैं। तो द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ एडल्ट पर्सन, अगर एडल्ट पर्सन में आयोडीन की कमी होती है तो एक बीमारी निकल के आता है, गोइटर। और द मेन सिम्टम्स ऑफ गोइटर डिजीज इज द नेक ऑफ ए पर्सन अपीयर्स टू बी स्वॉलन। तो गोइटर बीमारी की मेन पहचान क्या है, ये जो गला है, ये जो नेक है, यहां पर हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड है क्या होता है, वो बाहर निकल आता है, ठीक है, ये बल्जिंग आउटवर्ड हो जाता है, बाहर की तरफ ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो गोइटर बीमारी के लक्षण है, और इसी से पता चलेगा कि उसको गोइटर हुआ है, ठीक है। तो ये आयोडीन की कमी। एक चीज बच्चों यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और डीप में समझाना चाहता हूं, ये जो है देखिए क्रेटिनिज्म और ये जो गोइटर, मैं आपको बता रहा था इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्रेटिनिज्म और गोइटर लगभग सेम चीज है, लेकिन जब गोइटर आयोडीन ना खाए, लंबे समय तक अगर ना खाएं, उसके कमी से जो बीमारी होती है वो गोइटर होती है। लेकिन क्रेटिनिज्म भी उसी टाइप का एक चीज है, लेकिन ये होता क्या है, जो मदर, ठीक है, जो मैंने क्या जो लेडी मदर बनने वाले हैं या प्रेग्नेंट वीमेन है, उस दौरान अगर वो आयोडीन नहीं खाते हैं तो उनके बच्चों में ये ट्रांसफर हो जाता है डिजीज, जिसका नाम है क्रेटिनिज्म, ठीक है। मतलब कि बच्चे पैदा होने से पहले, ठीक है, जो मम्मी डाइट लेती है, मम्मी वो बच्चे को पैदा करने से पहले, बेबी जन्म लेने से पहले, वो मम्मी अपने डाइट में अगर आयोडीन ना ले तो वो बच्चे जो पैदा होंगे, वो बेबी जो होंगे, उसमें क्रेटिनिज्म बीमारी हो सकती है। लेकिन बाद में पैदा होने के बाद अगर बच्चों को आयोडीन ना दिया जाए तो गोइटर बीमारी होता है। दो चीजें कंफर्म आपको दोबारा से कंफर्म कराता हूं, क्रेटिनिज्म और गोइटर थोड़े से अंतर है। क्रेटिनिज्म क्या है, बच्चे पैदा होने से पहले मम्मी अगर, उसके मदर अगर सफिशियंट अमाउंट ऑफ आयोडीन ना ले तो क्रेटिनिज्म का शिकार होता है वो बच्चा, और अगर बेबी पैदा होने के बाद अगर उनको आयोडीन की कमी हो जाए तो वो होता है गोइटर। बड़ों में भी अगर आयोडीन की कमी हो तो वो गोइटर बीमारी लेकर के आता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, ये जो गोइटर बीमारी है, और थोड़ा अगर डीप में जाएं, ठीक है, तो क्या है, जैसे कि हम हमारे जो हिली एरिया है, पहाड़िया जगह है, वहाँ पर कोई समंदर वमंदर नहीं है, तो हमारे जो सॉल्ट निकल के आते हैं, सॉल्ट में भी हमारे आयोडीन होती है, तो उधर में नदी उतना है नहीं, पानी जो बहता नदी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मछलियाँ होती हैं या एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें ऑटोमेटिक आयोडीन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो नमकीन पानी है, समुंदर का जो पानी है वो नमकीन पानी है, उसी में आयोडीन पहले से मौजूद होते हैं, तो वहाँ के जो सी एनिमल्स होते हैं उसको अगर हम खाते हैं, मछली वगैरह को हम खाते हैं, तो आयोडीन की फुलफिलमेंट हमारा वहीं से
हो जाती है। लेकिन जो कोस्टल एरिया के आदमी है, कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो सी फूड, कोस्टल एरिया मैंने समुद्री इलाके में जो लोग रहते हैं वो लोग हमेशा सी फूड को खाते हैं, तो उनमें आयोडीन की कमी कभी होती नहीं है। वहाँ के जो मदर्स होते हैं उनको भी आयोडीन की कमी नहीं होती है और उनके बच्चों को ये कैरेटिनिज्म का भी क्या प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जो हिली एरिया में रहते हैं, ठीक है, पहाड़िया जगह में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश के एरिया के जो हैं उस हमारे जो माउंटेन रेंज, हिमालय माउंटेन रेंज के आसपास में, तो वैसे वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, ठीक है, वहाँ के जो मदर्स हैं, वहाँ के जो पीपल हैं उनको ज़्यादा करके आयोडीन की प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो सी फूड खाते नहीं। तो इसको दूर करने के लिए हमारे सरकार ने क्या किए हैं, हमारे जो पैकेट सॉल्ट होता है, टाटा सॉल्ट हो गया या और कुछ अगर अलग चीज़ हो गया, तो ये जो पैकेट सॉल्ट होता है पैकेट सॉल्ट में आयोडीन मिक्स करके वो मार्केट में छोड़ते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या जाता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, क्या बोला जाता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो वो सॉल्ट अगर हम लेंगे तो उसमें ऑलरेडी आयोडीन क्या मिक्स होता है और उस चीज़ को हम जब लेते हैं हमारे जो फूड के साथ हम लेते हैं तो वो आयोडीन की फुलफिलमेंट वहीं से हमारी हो जाती है। तो जब भी हम खाएं तो डायरेक्ट सॉल्ट को ना खा के हम आयोडाइज सॉल्ट को खाएं, पैकेट सॉल्ट को खाएं तो बेहतर होगा, हमारे आयोडीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद हमारे आज की लास्ट जो मिनरल है, मिनरल क्या डेफिशिएंसी डिजीज हम पढ़ेंगे वो आयरन, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्या मिनरल्स होता है आयरन, ठीक है। जब भी आप देखेंगे आपके अगर आसपास में कोई लेडी है मदर बनने वाले हैं तो या फिर आपके घर में कोई मेंबर्स हैं तो आयरन आप जब देखते होंगे कि उनको आयरन की कैल्शियम की टैबलेट एक्स्ट्रा टैबलेट दी जाती है ताकि फ्यूचर में बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कैल्शियम और आयरन की गवर्नमेंट की तरफ से भी जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया जाता है ताकि फ्यूचर में बच्चों में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। आयरन मिनरल इज नेसेसरी फॉर द मेकिंग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो ये हमारा आयरन है, आयरन क्या था, आयरन मिनरल्स इज नेसेसरी, आयरन मिनरल बहुत ही नेसेसरी है किसके लिए, फॉर मेकिंग द हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए, हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए हमारा ये आयरन बहुत क्या मदद करता है, जो कि हमारा हेमोग्लोबिन जो हमारा रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल को शॉर्ट में बच्चों आरबीसी भी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल को हम आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड, आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लड, सी फॉर सेल। तो ये जो रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन होती है, हेमोग्लोबिन की क्या काम है और हम डिस्कस करेंगे, तो रेड ब्लड सेल में जो हेमोग्लोबिन होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको फॉर्म कराने में आयोडीन हेल्प करता है, हेमोग्लोबिन को फॉर्म करने में आयरन, आयरन हेल्प करता है, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन, अब हम हेमोग्लोबिन जो इतना इंपॉर्टेंट है, हेमोग्लोबिन फॉर्म होना ब्लड में बहुत जरूरी है, हेमोग्लोबिन को फॉर्म कराता है आयरन, ठीक है, तो जो कि हम हेमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में मौजूद होते हैं, ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होती है, हेमोग्लोबिन को फॉर्म कराते हैं आयरन। तो ये हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है ये भी जानना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट जब है, तो हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, इट इज टू कैरी ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, बॉडी में हम ऐसे जनरली बोलते हैं क्या, ब्लड कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है रियल में वो हेमोग्लोबिन ही क्या हेल्प करता है ब्लड को, ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो द फंक्शंस ऑफ हेमोग्लोबिन इज टू कैरी द ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन द ब्लड ऑफ ए पर्सन इज नॉट एबल टू कैरी सफिशियंट ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है, मतलब आयोडीन की कमी मतलब हेमोग्लोबिन फॉर्म होना कम हो गया, अगर हेमोग्लोबिन का फॉर्म होना कम हो गया तो हेमोग्लोबिन क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी के हर पार्ट में, तो अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो गई तो बॉडी के जो ब्लड है, ब्लड उतना क्या जितना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए उतना कर नहीं पाता, नॉर्मल जितना ट्रांसफर होना चाहिए उससे
कम ट्रांसपोर्ट कर पाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों। ऑक्सीजन एक ऐसा चीज़ है, अगर हमारे ब्रेन के अंदर एक मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया तो ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। ऑक्सीजन बॉडी के हर माने कॉर्नर में, हर सेल में, हर एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और ऑक्सीजन को पहुँचाता है ब्लड, ब्लड के अंदर इनफैक्ट जो हेमोग्लोबिन होती है वो रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को बॉडी के हर कोने कोने तक पहुंचाने में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारा हो जाता है। और क्या होता है, ये हेमोग्लोबिन का कमी के कारण ये जो हमारे जो फूड ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिल के फूड ऑक्सीडाइज होते हैं, जिसके वजह से हमें एनर्जी मिलती है। हम जो फूड खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीजन का वो जो इसके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है, ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है, प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे से हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है। ब्लड हमारा ठीक से कैरी जितना करना चाहिए उतना कैरी नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, हमारा बॉडी में हम जो फूड ऑक्सीडाइज होने में प्रॉब्लम होती है और हमें एनर्जी मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। जितनी एनर्जी हमारे प्रोडक्शन होनी चाहिए हमारे डे टू डे एक्टिविटी के लिए, हम जो एनर्जी हमें चाहिए होता है फूड से मिलता है हमें, तो वो फूड अच्छे से आयोडाइज अच्छे से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं और हमें एनर्जी की कमी होने लगती है। और एनर्जी की कमी हो गई मतलब हम हर काम में पीछे रह जाएंगे, हर काम हमें प्रॉब्लम होगा, हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अच्छे से खेल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम होने लगेगी। सो दिस लीड्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट टू हेमोग्लोबिन, जो हम कमी होती है तो इसके वजह से हमारा एक प्रॉब्लम आता है, दिस लीड्स टू एनीमिया। अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर आता है कि एनीमिया, आयरन की कमी से मेन एक लाइन में अगर बात करें तो द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस ए डिजीज नेम्ड एनीमिया, माने ब्लड की कमी के कारण, ब्लड में आयरन की कमी के कारण एनीमिया। से जनरली हम अगर कभी पढ़े हैं तो हमको बोलते हैं कि हम जो हमारे आयरन के कमी से या ब्लड की कमी से एनीमिया होती है, लेकिन आयरन जो कमी होती है उसके वजह से हमारे हेमोग्लोबिन की कमी होती है, हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो जाती है और एक बीमारी निकल के आता है एनीमिया, ठीक है। एनीमिया भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है बच्चों। तो एनीमिया इज अ डिजीज इन विच द लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड इज लेस देन द नॉर्मल रिडक्शन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो एनीमिया एक ऐसा बीमारी है, एनीमिया एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि आयरन की कमी से होती है। तो एनीमिया जो है डिजीज, ये क्या होता है, इसमें द लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड इज लेस देन द हमारा जो नॉर्मल जितना होना चाहिए। जैसे हम बोले तो जो लेडीज हैं उनमें हेमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम 10% होनी चाहिए, ठीक है, और 10 mg, और हमारे जो जेंट्स हैं उसमें 12 से 14 जो उनकी जो रीडिंग है 12 टू 14 रीडिंग आनी चाहिए हेमोग्लोबिन की मात्रा एडल्ट ह्यूमन बींग में, ठीक है, एडल्ट मेन में, और लेडी में कम से कम 10 से 12% होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल हेमोग्लोबिन के लेवल। तो ये एनीमिया में क्या हो जाती है, हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है, नॉर्मल जो रेंज है हमारे 10 से 12 जो वुमेन के लिए उससे कम होने लगते हैं, और जो जेंट्स होते हैं जेंट्स में हमारे जो 12 से 14 रेंज है हमारे हेमोग्लोबिन की उससे कम होते हैं, नॉर्मल से कम होने लगते हैं, ठीक है। उसका बाद क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है, रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। पहले भी आपको मैं बताया हेमोग्लोबिन जो है वही ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो जब हम एनीमिया बीमारी हो गया मैंने ऑक्सीजन की कमी होने लगेगा, तो रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी को कम कर देता है एनीमिया। एनीमिया एक ऐसा बीमारी है जो हमारे ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को हर कोने में बॉडी में पहुंचाते हैं, उनको वो उनका जो कैपेसिटी होता है पहुंचाने की उसको रिड्यूस करता है, उसको कम करता है हेमोग्लोबिन के कमी के कारण जो होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और देख लेते हैं, ये जो है हमारा द मेन सिम्टम्स ऑफ द एनीमिया डिजीज आर द पर्सन लुक्स पेल, फील वेरी वीक, टायर्स इजिली एंड लॉसेस वेट।
तो एनीमिया अगर हो गई है, एनीमिया डिजीज हो गया, तो कैसे पता चलेगा पर्सन में क्या चेंजेस नजर आएंगे जिसको एनीमिया हो जाती है? मेन सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या होते हैं एनीमिया वालों के? द पर्सन लुक्स पेल, हर वक्त मांदा मांदा लगेगा, उनको काम करने के लिए ताकत नहीं लगेगा, मुरझाया हुआ लगेगा, ठीक है, और फील्स वेरी वीक, बहुत कमजोरी महसूस होगा, टायर्स इजिली, अगर कमजोरी होते हैं। यहीं पर हम लोग देखिए, ये जो हम देखें था प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो ये जो ऑक्सीडेशन और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कराने में हमारा जो क्या ऑक्सीजन हेल्प करते हैं फूड को ऑक्सीडाइज करने में, अगर हमें अच्छे से एनर्जी नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक है कि हमें वीकनेस आएगी, टायर्डनेस आएगी, मतलब इजीली हम थक जाएंगे, काम हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे और थक जाएंगे, बहुत जल्द थक जाएंगे, या फिर लॉस होगा हमारा वेट में, वेट में हम अगर अच्छे से एनर्जी नहीं मिलेगा, हमारा बॉडी में क्या अच्छे से फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो हम हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिलेंगे, हमारा बॉडी ठीक से ग्रो नहीं करेगा, तो करेगा तो हम क्या होगा, हमारे बॉडी की वेट जो है भी लॉस आ जाएगी। वेट लॉस माने कमजोरी भी हो गए, वीकनेस भी हो गए, सारा प्रॉब्लम हो गया, हम कमजोर भी फील किए, हम बहुत मुरझाया हुआ भी लगे, और फूड की कमी के कारण, विटामिन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण वेट लॉस भी होने लगेगा, मतलब मेनली आयरन का कमी के कारण ये सब प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद और एक प्रॉब्लम होता है, हिज नेल्स आल्सो टर्न व्हाइट, तो हमारे जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन के वजह से हमारा ब्लड जो है पूरा रेड दिखाई देता है, हेमोग्लोबिन के वजह से रेड दिखाई देता है, तो अगर हम नेल को चेक करें हेमोग्लोबिन की कमी हो, तो ऐसे अगर हम थोड़े देर तक दबा के रखें तो देखेंगे कि नेल्स जो है जितना रेडिश दिखाई देना चाहिए उतना रेड दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कि उसमें व्हाइटनेस आ गया, थोड़ा येलोइश व्हाइट कलर का हमारा नेल दिखने लगेगा, मतलब समझ जाएंगे कि ब्लड की कमी हो रहा है, ब्लड की कमी में ब्लड क्या होगा, आयरन की कमी हो जाएगा, अगर आयरन ब्लड का कमी हुआ तो मतलब आयरन की कमी हुआ, आयरन की कमी हुआ मतलब हेमोग्लोबिन की कमी हुआ, तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं, एक के बाद एक दूसरा प्रॉब्लम होने लगता है। तो बच्चों अगर कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर, तो जितने भी हम यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ें, या हम जो क्या चाहे वो कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़ हो, चाहे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ हो, या मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज़ हो, जितने भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो रहे हैं, जितने भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो रहे हैं, सबका मेन कारण है ये बैलेंस डाइट का ना लेना, सबका मेन कारण है बैलेंस डाइट का ना लेना, ये अच्छे से बॉडी को बैलेंस डाइट जो जितने भी रिक्वायरमेंट बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की चाहिए वो ना मिलना, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे हैं जो कि अपने डाइट के ऊपर कॉशस नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, उसके भी एक कारण, वो भी एक कारण हो सकते हैं, और दूसरा एक कारण हो सकता है गरीबी भी, तो इसे भी हमें क्या नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट सभी को मिल पाना क्या पॉसिबल नहीं है, हर कोई बैलेंस डाइट अपने परिवार को देने में क्या समर्थ नहीं है, तो इसके वजह से हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम निकाले हैं हमारे, आपको पता है कि जैसे अभी आपका COVID-19 का प्रॉब्लम चल रहा था, तो बहुत सारे जो जितने मैंने जितने भी लोग अफेक्टेड हुए हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे जो है मजदूर भाइयों हुए हैं, गरीब वही लोग ज़्यादा हैं जितने भी हमारे जो डेली वर्कर हैं, डेली काम करते हैं और डेली क्या खाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होता, तो उनको अगर तीन वक्त की खाना ही सही से नहीं मिल रहा तो वो बच्चों बैलेंस डाइट का कितना मेंटेन करेंगे। तो सरकार इसके लिए कदम उठाती है और सरकार इसको हेल्प करती है, जितने भी गरीब क्या लोगों को मदद करने के लिए हमारे जब भी क्या जैसे कोई मदर बनने वाले होते हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, तो उनको टैबलेट की प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, कैल्शियम टैबलेट हो गए, आयरन की टैबलेट हो गए, और आंगनबाड़ी के थ्रू से उनकी जो मदर की बैलेंस डाइट को फुलफिल करने के लिए उनको हमारे जो क्या चने के सत्तू वगैरह हो गए, या बादाम के जो पकोड़े हो गए वो सब सप्लाई करते हैं, सूजी दाल और हमारे चीनी, और यहाँ तक कि प्रोटीन की फुलफिलमेंट को क्या पूरा करने के लिए एग फ्री ऑफ कॉस्ट एग भी दिया जाता है। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी डेफिशिएंसी डिजीज बच्चों में ना हो, और हम जो क्या गार्डियन है, हम जो घर के लोग हैं, वो भी हमें क्या थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चों में सफिशियंट मात्रा में हर न्यूट्रिएंट्स हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी अगर कमी कर दें, हम न्यूट्रिएंट्स की कमी कर दें, तो बच्चों में बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगे, ठीक है।
तो बच्चों आज हमारा ये जो लेक्चर था ये इस चैप्टर की आखिरी लेक्चर था और इसी के साथ हमारा जो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज जो है आखिरी डेफिशिएंसी डिजीज था, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये हमारा चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।